गाइस, तो आज का मेरा ब्लॉग जो है मॉर्निंग के 4:30 बजे शुरू हो रहा है। आज हम घूमने जा रहे हैं और हमारी पोंगल की छुट्टियां हैं। और गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारा सफर शुरू हो चुका है और हम 1 घंटे का सफर कवर कर चुके हैं। और यहाँ देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ धुंध लगी हुई है और हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। ऐसे ये लड़का बिल्कुल नींद में लग रहा है। हम यकाडुपी रोड शुरू कर चुके हैं। नहीं, अभी है, बस यहीं से हमारा धीरे धीरे छोटे छोटे बाटा छोटे छोटे पहाड़ आएंगे और हम उसके ऊपर गाड़ी चलाएंगे। उसके ऊपर नीचे कैसे चलाएंगे बताओ? तो फ्रेंड्स, अब हम येरकाडु की मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे पहाड़ चढ़ेंगे। ये छोटा सा पहाड़ है येरकाड। जिम्मेदारी दी थी और वो जिम्मेदारी है कल रात से रूम ही ढूंढने में। रूम तो पता नहीं, रील्स देख देख के इसने अपना फोन की बैटरी जरूर खत्म कर दी होगी। इस तरफ से उठा है, गाड़ी पे बैठा है, अभी निकला है वो उस। ये दोनों आपस में झगड़ा करते हुए रूम ना ढूंढने का एक दूसरे में बत्ती। जज जी को देखो, जज वहाँ बैठे हैं उधर और ये दोनों अपनी अपीलें रख रहे हैं उसके सामने। तो गाइस, फाइनली हमें ऐसा जो कि इन लड़के की मेहनत है जो मुंह छुपाए बैठे हैं, हमें देखो बहुत अच्छा रूम मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी नई नई बनी हुई प्रॉपर्टी है और जो हमारे चालक साहब हैं वो सो चुके हैं और मेरे को बिल्कुल भी थकान नहीं लगी है। तो आगे हम लंच करेंगे कहीं पे, अभी तक हमने लंच नहीं किया, तब से रूम ढूंढे थे और रूम अच्छा। और आ गया ये लड़का। ए क्या पांडे देखो यार, ये तो यहाँ से बोला था नीचे गाड़ी भी नहीं लाते हैं, बोला था यार। हेलो गाइस, तो अब हम इवनिंग में घूमने जा रहे हैं। अभी हम लेक हाउस मिला बोट हाउस जाएंगे और लेक तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये यहाँ का क्या नाम है, येरकाडु का लेक है। अच्छा, येरकाड का लेक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लोग बोटिंग कर रहे हैं, चूहे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो और हम लोग अभी हम लेक पे जाने वाले हैं। ये येरकाड की लेक है, यहाँ पर अगर देखा जाए सेंटर की सिटी में ही है और इसके काफी आसपास रहने की जगह है। तो फाइनली हमें अकोमोडेशन भी मिल चुका है। बहुत वानी हो इस लड़के की जिसने हमारे 3.5 घंटे वेस्ट किए। और ये तो हमारा बहुत ही अच्छा लड़का है जिसने हमें येरकाडु घुमाने के लिए लेके आया। इनिशिएटिव तो ऑफ कोर्स गोस टू मी। मैंने ही कहा चलो चलो चलो, वरना तो मुझे ले जाए भी नहीं जाए। फ्रेंड्स, अब मेरा पेट फुल हो चुका है। हमने बहुत सारे मोमो खाए यहाँ पे, जो जो मोमोज थे, जो की काफी अच्छे मोमो बनाए थे। और हमने वहाँ पे फ्राइड राइस और वेज रैप खाया, पनीर वेज रैप, जो कि काफी अच्छा हो रहा था। अगर आप येरकाड आए तो आप जोजोस के मोमो खा सकते हैं जो कि मेन मार्केट में ही है।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज का दिन हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, आज हमारा दिन ट्रैवल और इधर उधर घूमने में गया है और अब हम वापस अपने रूम पे पहुँच चुके हैं।